हाई एवरी वन दिस इज एन एम वेलकम टू पी एच डी जॉब एडमिशन सो आज के इस वीडियो में मैंने रिसोर्च मेटोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और जनरली जो आपके पीएच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद सो मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद जो है इस यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए मैंने लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है वहां से जाने के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और इस यूनिवर्सिटी में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है एग्जाम कैटेगरी वगैरह मैंने वहां पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं इस यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जामिनेशन डेट अभी तक रिलीज नहीं करी है लेकिन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तो सेक्शन ए में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब मैं आपको बता दूं सेक्शन ए में जो ट्वेंटी फाइव आपसे पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के लिए दो मार्क्स दिया जाता है उस तरीके से आपका फिफ्टी मार्क्स का

नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर कर रखा है और याद रखिएगा नोट्स में हमने जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके से रिलेटेड या फिर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सो so, उस नॉलेज को हमने नोट्स में कवर कर रखा है याद रखिए इंटरव्यू के लिए आपके नोट्स ये बहुत हेल्पफुल होने वाले है बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है एंड फाइनली थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस और उसी के साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो so, अगर आप इतना भी रिसर्च मेथोलॉजी का प्रिपरेशन करते हो हमारे इस कंटेंट से आपको गारंटी देती हूँ आपका इजीली इजीली सिलेक्शन होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में तो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सो तो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नंबर नजर आ रहा है इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू करना है नॉर्मल नंबर पर नहीं लगेगा याद रखिएगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टेक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है वहां से आप डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो रिसर्च मेथेडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स फुल सिलेबस नोट्स मॉक टेस्ट एंड थाउजेंड प्लस एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथेडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होंगी हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है कि हमारे जो नोट्स है और मोक्टेस है उसको आप वन वीक में कवर कर लीजिए और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यूट पीडीएफ है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आपके एग्जाम के टू टू थ्री आवर्स पहले भी अगर आप इसको

इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ जैसे मैंने आपको बता दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपेरेशन एक वीक में ही कवर कर सकते हो ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सो so, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करना है एंड फी फॉर दर्स इज जस्ट फोर एंड लेट्स बिगिन विदीडियो पहला प्रश्न एक सेट स्कोर का माध्यम 50 है और मानक विचलन 10 है यदि प्रत्येक छात्र के स्कोर को दुगना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा द मीन ऑफ अ सेट स्कोर इफ इज 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 इफ द स्कोर ऑफ इज स्टूडेंट इज डबल द न्यू मीडियन विल बी सो इस प्रश्न में जैसे कि आप देख रहे हो हमें कुछ छात्रा है कुछ छात्रा के कुछ स्कोर है सो so, उनका जो स्कोर है उनका हमें मीन दिया गया है यानी उसका हमें माध्यक दिया गया है जो कि पचास है जो कि फिफ्टी है अब और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिशन जिसे हम कहते हैं मानक विचलन ये दिया गया है टेन सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड आउट है ओके स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है और मीन बताता है आपके डेटा की एवरेज वैल्यू ओके एवरेज वैल्यू बताता है आपके मेन के ज्यादातर स्टूडेंट्स को मान लीजिए 50 मार्क्स ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कोर होगा ज्यादातर छात्राओं का जो स्कोर होगा वो 50 होगा इसलिए इस जो डेटा है सेट स्कोर्स है उनका हमें मीन क्या जा रहा है 50 अब हमें इस केस में पूछा गया है कि जो छात्राओं के स्कोर्स है उसे अगर हम दुगना कर दे तो उस केस में हमारा जो नया मीन सॉरी नया जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा नया माध्य क्या होगा क्योंकि हमें यहाँ पर मीन दिया गया है माध्य दिया गया है और मानक विचलन दिया गया है मतलब स्टैंडर्ड डिवेशन दिया गया है और हमें मीडियन पूछ रहा है मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मीडियन मतलब आपका जो भी डेटा होता है उस डेटा की सेंटर वैल्यू और मिडल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन अब जैसे कि यहाँ पर आपको मेन दिया गया यानी माध्य दिया गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है सो so, याद रखिएगा ये दोनों भी वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया है इससे आपका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी है अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के जो स्कोर है यानी छात्रों के जो स्कोर है उसको दुगना कर दिया जाए मतलब मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि स्कोर जो हो स्टूडेंट्स के जो आपके छात्राओं के जो प्रत्येक छात्राओं के जो स्कोर हो कुछ इस तरीके से होंगे टू फोर सिक्स एट एंड टेन ये मान लीजिए छात्राओं के स्कोर है अब हमें प्रश्न में ही बोला जा रहा है कि छात्राओं के जो स्कोर है उसको हमें दुगना करना है उसको हमें डबल करना है डबल किस तरीके से करेंगे हम डबल कर देंगे ओके दुगना कर देंगे जितनी वैल्यू है उसको उसमें टू उसको दुगना कर देंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सो ये क्या हो जाएगा फोर ये हो जाएगा आपका एट ये हो जाएगा ट्वेल्व ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन एंड ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी ओके आपने क्या करा हर एक नंबर को आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब आपने दुगना कर दिया अब दुगना करने के बाद आपका जो ये नया मीडियन होगा मीडियन क्या हो रहा है देखिए मीडियन के क्या होता है कि आपके डेटा की जो मिडिल वैल्यू है जो सेंटर वैल्यू है उसे हम कहते हैं मीडियन अब अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं लेफ्ट साइड से देखू ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है सिक्स और अगर मैं राइट right साइड से देखूं तो फर्स्ट सेकंड और अगेन थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है इस डेटे में सिक्स मतलब इस डेटा के जो मीडियन वैल्यू है वो है मेरी मीडियन वैल्यू okay? हमें पता चल गई जो कि है six. अब जैसे कि हमने दुगना कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशन को हमारे छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया दुगना करने पर सिक्स का क्या हो जा रहा है सिक्स हमारा जो डेटा है सॉरी हमारा जो स्टूडेंट्स का जो स्कोर्स है छात्राओं का जो स्कोर्स है वो क्या हो गया डबल हो गया किस तरीके से बढ़ गया दुगना हो गया जो था उसका दुगना हो गया यानी मीन हमारा यहाँ पर सिक्स था तो सिक्स का हमने दुगना पर, तो तो का हमने डबल कर दिया तो मीडियम भी तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इस केस में जब हमने डबल कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशन को तो इस केस में भी आपका मीडियन क्या हो जाएगा ट्वेल्व क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो थर्ड नंबर पर आपका ट्वेल्व नंबर आ रहा है और अगर आप राइट साइड से देखोगे तो थर्ड नंबर पर अगेन आपका ट्वेल्व आ रहा है यानी अगर हमने हमारे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया है मतलब छात्राओं के जो स्कोर हमने डबल कर दिया तो उस केस में हमारा मीन भी किस तरीके से बढ़ेगा वो भी दुगना ही होगा तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी इनक्रीज बाय डबल दुगने से बड़ा अब ये तो अनचेंज तो होगा ना क्योंकि जैसा था वैसा होगा ना क्योंकि हमें डबल करने बोला गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी विकल्प ए गलत उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से डिक्रीज बाय हाफ अगेन ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम डबल कर रहे हैं, तो हाफ कैसा होगा आपको खुद सोचना होगा ओके okay? तो so, यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन डी बिकम इक्वल टू द मीन यानी माध्य के बराबर बने तो so, ऐसा नहीं हो सकता है मीडियन और मीन ये हो सकता है लेकिन आप सोच सकते हो लेकिन अगर हम डबल कर रहे हैं तो ये मीन के बराबर भी नहीं होगा तो पर आपका विकल्प डी भी इस इस प्रश्न प्रश्न का का गलत उत्तर हो जाएगा। इस का सही उत्तर हो हो जाएगा जाएगा और आपका सही विकल्प बी बाय डबल दुगने से अगला प्रश्न पी वैल्यू का मतलब है पी वैल्यू स्टैंड सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है सो so, याद रखिए पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू यानी प्रायिकता मान अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है पी वैल्यू होती क्या है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है ओके okay, पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं उसे हम कहते हैं पी वैल्यू अब किस तरीके से जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से के प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है आपने तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है आपको ये रिजल्ट मिले लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो हो रही रही है फिर नहीं हो रही है। लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है हो सकता है किसी और वेरिएबल के वजह से हो तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है किसी और वेरिएबल के वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है ओके okay, हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी ओके okay, ऐसा हो सकता है सो so, इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सप्रीमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाई चांस आते हैं अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है क्यों हम यूज करते हैं सो तो याद कर याद रखिएगा पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को ओके नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं अब किस तरीके से अब जैसे मान लीजिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है पी वैल्यू अगर लेस होती है ओके पी वैल्यू आपकी पी वैल्यू कम होती है लेस होती है तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस को आप रेजेक्ट कर लेते हो ओके okay? ये आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी क्या करोगे नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ तो याद रखिएगा पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए अल्फा क्या होता है जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने परसेंट एरर को अलाउ करा है तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं जो कि वन परसेंट होती है या फिर फाइव परसेंट अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में फाइव परसेंट आपने एरर अलाउ करा है आप देखोगे कि हमने आप ऐसा बताओगे फाइव परसेंट हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में सो so, उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो नाइन्टी फाइव परसेंट सही आना चाहिए ओके okay? क्योंकि आपने क्या करा पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो आपके एक्सपेरिमेंट में कितने परसेंट एरर आए उससे आपका एरर कम आ जा रहा है यानी आपकी जो पी वैल्यू आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है तो उस केस में आप क्या करते हो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे ओके okay? अब नेक्स्ट uh, केस अगर पी वैल्यू आपकी पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी अल्फा से ज्यादा आ रही है ओके okay? यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में आप अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल की की वजह वजह से से आपके रिजल्ट आ आ कोई और की से आ रहे। तो ये एरर ही हो गया आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं ओके तो इस केस में आप क्या करते हो आपकी जो नल हाइपोथिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये कुछ स्टेटमेंट है आपको याद रखना है पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपका रिजल्ट आ आ आ रहे आ रहे है. okay? आ रहे हैं 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 ये बाय बाय चांस चांस ओके यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारे नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताए कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले तो याद रखिएगा जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे और आपकी नल हाइप सॉरी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है अल्फा क्या होता है सिग्निफिकेंस लेवल यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट को इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में सो ये होता है आपका अल्फा जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी यानी आपके जो एरर्स uh, है अपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे तो ये होता है आपका पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अगला प्रश्न एक शोध अध्ययन में चुने गए चर में से एक छात्र के माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार खेती सेवा यदि ये था ये किस स्तर का माप है In a research study, one of the variables selected was students' parents' occupation, such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? So, इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है, एक student है, एक छात्र है, उनके माता-पिता का कुछ occupation है, और जैसे उनको occupation business, farming, service ये occupation था। अब ये जो सारे occupation हैं, इस occupation को measure करने के लिए आप किस स्केल ऑफ किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आ, हमारे आ, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते है, four types होते हैं हैं इनमें फोर टाइप्स जिनको हम कहते हैं नॉमिनल ऑरिजिनल एंड रेशो यानी नाम मात्र क्रमवाचक अंतरालयन अनुपात सो so, ये स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से कंपलसरी आपको वन और टू क्वेश्चन देखने ही मिलेगा सो so, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ये स्केल ऑफ मेजरमेंट को कुछ आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है नॉयर एन फोर होता है नॉमिनल ओ फो ऑरजिनल आई फोर इंटरवल एन आर फोर रेशो अब हम इसे शॉर्ट में देख लेंगे की चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट होती क्या है क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत डीप में आपको समझाया है तो मैं बताऊंगी आपको जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स है मैं उनसे कहूंगी की आप उन विडियो लेक्चर को और उस नोट्स के पार्ट को अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए तो आप कभी नहीं बोलोगे की ये फोर स्केल ऑफ मेजरमेंट होते क्या है अब जैसे हम देखते हैं नॉमिनल नॉमिनल क्या होता है जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है हम उसे आप उसको एक रैंक देते हो आप ऑर्डर देते हो इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हो लेकिन इंटरवल में आपका जो नंबर्स होते हैं आप उनको इक्वल अरेंजमेंट में आ, और इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये होता है आपका इसी तरीके से रेशो रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है सो so, ये होते हैं आपके फोर लेवल ऑफ मेजरमेंट फोर स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अब हमें इस क्वेश्चन में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक छात्र है उनके माता में माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है कुछ इस तरीके से है कि वो बिजनेस करते हैं फार्मिंग या है, फिर सर्विस कर रहे थे यानी व्यापार कर रहे थे खेती कर रहे थे सो so, ये जो उनके बिजनेस ऑक्यूपेशन है इनको मेजर करने के लिए आप कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे सो so, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बस उनको ऑक्यूपेशन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा गया है उनके ऑक्यूपेशन को एक छात्र होंगे उनके माता पिता फार्मिंग होंगे तो आप क्या करोगे उन छात्रों का ग्रुप बना लोगे छात्र है जिनके माता पिता का बिजनेस है व्यापार है आप उनको एक ग्रुप में बना लोगे तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग करते हो यानी सेम के लोगों का आप कैटेगराइज कर रहे हो तो आप ऐसा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हो और किस स्तर के माप में करते हो नॉमिनल में जिसे हम कहते हैं नाम मात्र क्योंकि याद रखे नॉमिनल और ऑर्डिनल ही हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर ऑर्डिनल में आप ऑर्डर देते हो एक इक्वल ऑर्डर देते हो सबको हम किसी को ऑर्डर में नहीं दे रहे हम किसी को रैंक नहीं दे रहे आप यहाँ पर रैंक नहीं दे सकते हो कि आपका जो जिन छात्र के माता पिता बिजनेस करते व्यापार करते वो ज्यादा अच्छे होंगे आप ऐसा नहीं बता सकते हो सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑर्डिनल क्रमवाचक ये स्केल ये माप का उपयोग नहीं करेंगे और रह गई बात आपके इंटरवल और रेशो की यानी अंतरल और अनुपात की सो याद रखिए इंटरवल और रेशो हम जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर्स हो तो उस केस में हम इंटरवल और रेशो का ज्यादातर यूज करते हैं सो तो यहाँ पर आपका विकल्प सी और डी ये दो भी दोनों आपके गलत उत्तर हो जाएंगे और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नॉमिनल यानी नाम मात्र अगला प्रश्न प्रश। एक्सेप्टिंग नल हाइपोथिस वन इट इज फॉल्स इज निराकरण परिकल्पना को स्वीकारना जब ये गलत हो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने क्या करा आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कब जब ये फॉल्स थे तो ये कौन सा एरर कहलाएगा मतलब आपने जो आपके जो निराकरण परिकल्पना है उसको स्वीकार लिया कब जब ये गलत थी तो ये कौन सा त्रुटि कहलाएगी मतलब ये कौन सा एरर होगा हमें ये फाइंड आउट करना है सो याद रखिएगा री इम्पॉर्टेंट टेबल आपको ये टेबल को याद रखना है सो so, याद रखिएगा आप, आपके रिसर्च में आप हमेशा नल हाइपोथिसिस को टेस्ट करते हो सो so, नल हाइपोथिसिस को टेस्ट करने में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है उसी को हम कहते हैं एरर्स और जिसे हम त्रुटी कहते हैं तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर लेते हो तो जैसे कि एरर्स में आप क्या करते हो कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो सो तो उन मिस्टेक्स को एरर्स को हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे जैसे यहां पर नल नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस आपकी जो है वो रियालिटी में रियल में ट्रू है आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने इसको क्या कर लिया रिजेक्ट कर लिया तो ये कौन सा एरर क्या आपका टाइप वन एरर मतलब की okay, टाइप वन त्रुटि आपने क्या करा नल हाइपोथेसिस ट्रू थी फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया तो ये आपका हो जाएगा टाइप वन एरर और टाइप टू एरर क्या होता है आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना होती है ये गलत होती है फॉल्स होती है फिर भी आपने इसको क्या करते हो आप एक्सेप्ट कर लेते हो आपने क्या क्या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कब जब ये गलत थी मतलब जब ये फॉल्स थी तो ये कौन सा एरर हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपने आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया कब जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी मतलब आपके जो निराकरण परिकल्पना है वो उसको आपने स्वीकार कर लिया कब स्वीकार कर लिया जब वो गलत थी तो आप याद रखिएगा जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो कब जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है तब ये हो जाएगा आपका Type two error. So, इस question का आपका सही आंसर हो जाएगा टाइप टू एरर जिसे हम कहते हैं टाइप टू आप आपकी जो नल एक्सेप्ट कर रहे हो कब जब वो फॉल्स है तो ये आपका टाइप टू एरर होता है मतलब कि जो निराकरणीय परिकल्पना है आप उसको स्वीकार ले रहे हो कब तब ये गलत हो तो ये हो जाएगा आपका टाइप टू एरर सो टाइप वन एरर हमने जैसा देख लिया टाइप वन एरर कब आकर होता है जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू होती है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो ये हो जाता है आपका टाइप वन एरर सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन विकल्प भी, भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन का उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग एरर क्या होता है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक मतलब आपके पॉपुलेशन की आपकी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको पुट करोगे और माइनस करोगे एंड देन आपको सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो करोगे उनको माइनस करके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा सैंपलिंग एरर जिसे हम कहते हैं तिदर्श ट्रुटी तो ये तिदर्श ट्रुटी भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा सही आंसर नहीं होगा देन ऑप्शन डी स्टैंडर्ड एरर जिसे हम कहते हैं मानक त्रुटि

अगर आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कब जब ये फॉल्स है तो ये हो जाएगा आपका टाइप टू एरर मतलब टाइप टू त्रुटि सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स इज कॉल्ड उस शोध को क्या कहते हैं जिसके साथ कुछ घटित होता है इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली होती है मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं जो चीज अकर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चीज है वो कितने बार अकर हो रही है उस वो कौन सी रिसोर्च में हम डिटरमाइन करते हैं हमें ये पता लगाना है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डेंगू हो गया है तो आप मानोगे कि आप जैसे कहोगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में सिक्स टाइम्स डेंगू हो गया है सो तो छह बार डेंगू इस पर्टिकुलर सिटी में ये डिसीज छह बार अकर हुई है तो so, यहाँ पर ये क्या बता रही है हमें फ्रिक्वेंसी के, वो चीज कितने बार अकर हो रही है, कोई समथिंग मतलब कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है वो कितनी बार अकर हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी को बताती है कि वो चीज उतनी कितने बार अकर हो रही है उस वो घटना कितने बार हो रही है वो कौन से रिसर्च बताती है हमें डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब नैदानिक शोध तो पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है, है।, है प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन में हमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ये है ये रॉन्ग हो जाएगा देन ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक शोध तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो नंबर से डील करते हैं जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करके उस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं सो so, यहाँ पर हम किसी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर रहे हैं हमारे पास जो भी डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है हमें ऐसा बता रहा है जो के आकर हो रहा है है जो हो जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें पता करना है फ्रिक्वेंसी को हम डिटरमाइन कर सके सो so, वो हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं ना के क्वांटिटेटिव रिसर्च उसी तरीके से ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च जैसे हम मौलिक रिसर्च कहते हैं मौलिक शोध सो so, फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं सो so, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा सो so, किसी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए कोई फेनोमिना अकर हो रहा है कोई समथिंग चीज कोई भी चीज अकर हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब नैदानिक शोध का यूज करेंगे सो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो